गाजी किसे कहते हैं? मुसलमानों में वह योद्धा या वीर जो धर्म के लिए विधर्मियों से युद्ध करता हो, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने वाला व्यक्ति को कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बहादुर होते हैं और युद्ध से नहीं घबराते हैं। सदैव अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हिटलरगिरी किसे कहते हैं? रोज आए दिन हम जब किसी को रोब झाड़ते या मनमानी करते देखते हैं तो उसे कहते हैं, हिटलर बनते हो या हिटलरगिरी करते हो, ऐसे ही कुछ शब्द कहते हैं। जिसके नाम का हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, वह शख्स असल में जर्मन शासक था। इस शख्स का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। यह एक तानाशाह शासक था। वह हर तरह के निर्णय खुद लेता था और मनमानी करता था। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध का जिम्मेदार इसे ही माना जाता है। इसलिए आज भी कोई रोब जमाता है तो या मनमानी करता है तो हम कहते हैं, हिटलर हो जी, हिटलर बनते हो, इस तरह के शब्द वगैरह वगैरह। जो जीता वही सिकंदर। यह लाइन तो आपने जरूर सुना होगा। आज कोई बाजी जीत जाता है या कोई कुछ हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि यह इस खेल का सिकंदर है। असल में सिकंदर नाम का वह शख्स था, मकदुनिया का राजा, जिसे सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से जाना जाता है। इन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था। निकल पड़े पूरी दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को तो नहीं जीत पाए, पर एक भी युद्ध नहीं हारे और लगभग दुनिया के कई हिस्सों पर फतह हासिल किया। इसलिए जीतने वाले को बाजीगर नहीं, सिकंदर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।